ओम सरस्वती नमस्तुव्यम वरदे काम रूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मेषदा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं रत्नेश शुक्ला आप सभी का पुनः आपके ही ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला इज द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इट्स रेडियाई ऑफ कर्वेचर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। सिंस दिस फार्मूला इज यूज्ड for the formation of the lens, that's why it is known as the lens maker formula. Formula is here 1 by f equals mu minus 1 times of 1 by r1 minus 1 by r2. Clear? हम इस फार्मूले का डेरिवेशन करने वाले हैं। बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये लेक्चर क्लास 12th के बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है। तो आइए हम इस फार्मूले को प्रूफ करते हैं। कंसीडर करिए कि हमारे पास में एक लेंस है, लेंस को मैंने L1 L2 से शो किया हुआ है। अगर हम बात करें लेंस क्या होता है, देखिए जरा ध्यान से, लेंस इज ए रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय द टू रिफ्रैक्टिव सर्फेसेस हैविंग एटलीस्ट वन कर्व्ड सर्फेस। यानी कि लेंस दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेस से बाउंडेड होता है, घिरा होता है। इसके दोनों सर्फेस से लाइट का रिफ्रैक्शन होना चाहिए और दोनों में से कम एक सर्फेस तो स्फेरिकल होना चाहिए, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो। ये हमने बाई कॉन्वेक्स लेंस को दिखाया हुआ है क्योंकि इसके दोनों सर्फेस कैसे हैं, कॉन्वेक्स है। तो ज़ूम करो कि हमारे पास में एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है L1 L2। इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर ज़ूम कर लेते हैं हम लोग। चलो वो है लेंस की जो फर्स्ट सर्फेस है, फर्स्ट सर्फेस का जो सेंटर है वो C1 है, जो कि आप देख पा रहे हैं ये राइट साइड में है। जो सेकंड सरफेस है जिसको मैंने येलो कलर से शो किया हुआ है, इसका सेंटर किस तरफ है, लेफ्ट साइड में है C2। लेंस के दोनों सेंटर्स C1 C2 जो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हैं सरफेसेस के, से होकर के देखो एक लाइन पास कर रही है। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द लेंस। अब मैंने क्या किया है, इस ऑप्टिकल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है। सपोज करो ये हमारी ऑब्जेक्ट है O। आप देख पा रहे हैं कि मैंने लेंस की ऑप्टिकल एक्सिस पर किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है। हमें इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन करना है, तभी तो हम इस फॉर्मूले को डिराइव कर पाएंगे। तो ज़ूम करो कि इस जो ऑप्टिकल एक्सिस है पर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है, यहाँ से एक लाइट रे चलती है और लेंस पर स्ट्राइक करती है किसी पॉइंट पर। तो आप जानते हैं जब लेंस के पहले सरफेस पर लाइट रे स्ट्राइक करेगी तो लाइट रे रिफ्रैक्ट करेगी, लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ से रिफ्रैक्ट करेगी, ठीक है। फर्स्ट मीडियम को हमने मान लिया है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और ग्लास जो हमारा लेंस है वो ग्लास से बना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एज्यूम कर लेते हैं μ2 है। ज़रूरी नहीं कि आपका लेंस ग्लास से ही बना हो, आपका लेंस किसी भी मीडियम से बना हो सकता है, बस इतना याद रखें रिफ्रैक्टिव मीडियम होना चाहिए। तो लेंस पर जब लाइट रे स्ट्राइक करती है तो लाइट रे देखिए दो बार रिफ्रैक्शन को सफ़र करेगी। फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन होगा, लाइट रे उस तरीके से बेंड करती है। सेकंड टाइम अगर देखें तो लाइट रे का रिफ्रैक्शन दूसरे सरफेस से भी होना है, तो ये कुछ इस तरीके से मुड़ जाती है। ये रिफ्रैक्टेड रे देखें तो ऑप्टिकल एक्सिस को कहीं पर कट करती है। यहाँ से एक लाइट रे और लेंगे जो लाइट रे पैर चलेगी नॉर्मल टू द ऑप्टिकल एक्सिस, और ये लाइट रे जो नॉर्मली गिरेगी वो ऑप्टिकल सेंटर से क्योंकि पास करेगी तो सीधे ही निकल जाएगी। दोनों ही लाइट रे जो रिफ्रैक्शन के बाद कहीं कट कर रही हैं, यहीं पर क्या बन जाएगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी आई यहाँ पर क्या है, इस ऑब्जेक्ट ओ का इमेज है। अगर हम समझें तो यहाँ पर जो फाइनल इमेज ऑब्टेंड हुआ है ये दो बार रिफ्रैक्शन होने के बाद में मिला है। पहली बार जब लाइट रे का रिफ्रैक्शन पहले सरफेस से होता है तो ये लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद अगर ध्यान से देखो तो ये इस डायरेक्शन में जा रही थी, यानी कि फर्स्ट टाइम पर जब पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा होगा। मान लो ये पहला इमेज आई डैश है, फिर यही जो आई डैश फर्स्ट इमेज था इसका अगर हमने देखा तो दूसरे सरफेस से फिर से देखो यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ और ये फाइनल इमेज प्रोसेस कर रहा है। यानी कि लेंस में कुल मिलाकर के दो बार रिफ्रैक्शन हुआ तो इमेज का फॉर्मेशन भी दो बार हुआ। फर्स्ट जो इमेज है जो कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है वो आई डैश है, और सेकंड यानी कि फाइनल इमेज को प्रोसेस करके पॉइंट आई पर बना रहा है। तो अगर हम बात कर लें रिफ्रैक्शन फॉर द फर्स्ट सरफेस, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू द फर्स्ट सरफेस,
फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू फर्स्ट सरफेस। तो यहां पर हम रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लाइट रे रेडर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, म्यू वन से म्यू टू में जा रहा है। तो याद रखें रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होता है, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो अगर आप ध्यान से देखें सेकेंड सरफेस को आप भूल जाइए, पहले सरफेस से ही लाइट का रिफ्रैक्शन हम करवा रहे हैं। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट टाइम पर देखो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी वो तो यही है, ओ से ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस आप मेजर कर लें, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो जाएगी। और फर्स्ट जो इमेज फॉर्म हो रही है वो आई डैश पर फॉर्म हो रही है, यानी कि हम इमेज की जो पहली पोजीशन है उसको हम लोग वी वन से शो कर देते हैं। ये पहली पोजीशन है इमेज की। हम लोग यूज करने वाले हैं रिफ्रैक्शन फार्मूला म्यू टू अपॉन वी, वी मतलब वी वन, म्यू टू अपॉन वी वन माइनस म्यू वन अपॉन यू, यानी कि पहले मीडियम का इंडेक्स म्यू वन अपॉन यू, यू मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इक्वल्स म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। इस रिलेशन को आप नोट कर लें। विशेष बात सेकेंड सरफेस से जब लाइट का रिफ्रैक्शन होगा तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट जो इमेज फॉर्म हुई थी वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, यानी ये आई डैश जो होगी वो इमेज नहीं ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। तो फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द सेकेंड सरफेस आप नोट कर सकते हैं, फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू सेकेंड सरफेस वी कैन से बाई द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला अगेन म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा इस बार रिफ्रैक्शन जो है वो ग्लास से एयर में हो रहा है, तो हमारा सेकेंड मीडियम कौन होगा, यही ग्लास नहीं एयर हो जाएगा, यानी इसको हम लोग लिखेंगे म्यू वन अपॉन पोजीशन ऑफ द इमेज दैट इज वी, म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन पोजीशन ऑफ द वर्चुअल ऑब्जेक्ट दैट इज वी वन इक्वल्स म्यू टू माइनस म्यू वन। सेकेंड मीडियम हमारा कौन सा है, एयर है, यानी ये हो जाएगा म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन रेडियाई ऑफ द कर्वेचर दैट इज द आर टू। क्लियर? इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन वी वन इक्वल्स माइनस कॉमन कर लेते हैं तो आप जरा देखें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर टू। रिलेशन नंबर टू, रिलेशन वन और टू को अगर आप बात करें कंबाइन कर दें, सो ऑन कंबाइनिंग द रिलेशन नंबर वन एंड द रिलेशन नंबर टू कंबाइन करें, क्या करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट में कंबाइन करेंगे और राइट को राइट में कंबाइन करेंगे। अगर हम कंबाइन करें तो ध्यान से देखिए यहाँ पर म्यू टू अपॉन वी वन प्लस में और माइनस में है, तो म्यू टू अपॉन वी वन माइनस म्यू टू अपॉन वी वन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको बताइए, म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स राइट को राइट में कंबाइन कीजिए म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन है इसे कॉमन कर लेते हैं विद इन ब्रैकेट, ये देखिए 1 बाई आर वन पॉजिटिव में है, ये माइनस 1 बाई आर टू नेगेटिव में माइनस 1 बाई आर टू। अब ध्यान से देखिए यहाँ से हम यू वन को कॉमन कर सकते हैं, कॉमन कर लेते हैं दैट इज 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स म्यू टू माइनस म्यू वन टाइम्स ऑफ 1 बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। आप जानते ही हैं अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा जाए, क्योंकि हमने लेंस का डिजाइनिंग करना है इन्फिनिटी के लिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इन्फिनिटी देन यू इक्वल्स इन्फिनिटी, इन दैट सिनेरियो इमेज विल बी ऑब्टेंड एट द फोकस पॉइंट, सो वी इक्वल्स फोकस, सो वी कैन से वन बाई एफ इक्वल्स म्यू माइनस वन
टाइम्स ऑफ 1/r1 माइनस 1/r2। अरे भाई 1/∞ क्या हो जाएगा, 0। 1/f मीन्स 1/f माइनस 0, 1/f, 1/f इक्वल्स म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ 1/r1 माइनस 1/r2। और यही हमारा है लेंस मेकर फार्मूला।